बारे में पता करके लोगों को बताते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिसका इंटरव्यू करते हैं उसको अपने बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, इनको ज्यादा होती है। तो सर आपके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि आपने अपने सफर की शुरुआत कहां से की, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे आप। कॉमेडी शो है लेकिन मेरी जो कहानी है वो उतनी सेक्सी उतनी कॉमेडी वाली नहीं है, दूपर ही है थोड़ी। कोई बात नहीं, कॉमेडी शो है लेकिन एक एक मैसेज जरूर होना चाहिए लोगों का। कपिल बचपन मुझे याद है, एक 10x10 का कमरा था, एक बीमार पिताजी, बीमार मदर और बीमार बहन, तीन लोग और सात भाई, 10 लोग उस 10x10 के कमरे में रहते थे। इतनी जगह नहीं थी कि फ्लोर के ऊपर हम सब लोग एक साथ इकट्ठे सो सके, तो तख्ते जैसे लगाए हुए थे उसके ऊपर एक एक करके सोते थे, एक के ऊपर एक। नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहां जाते थे, वहां से हम नहाते और 2 बाल्टी पानी एक बहन के लिए एक माँ के लिए ले आते थे। पढ़ने के लिए रात को मैं रेलवे स्टेशन पर जाता था क्योंकि हमारे घर में बिजली नहीं थी जी। खाने के लिए कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। कई कई दिन मुझे ध्यान है अमेरिका से पाउडर के दूध आता था गरीब लोगों के लिए, तो लाइन में लग के वो दूध के डिब्बे ले आते थे और उस वो दूध से कई कई दिन का। कोई यूनिफॉर्म डोनेट कर देता था, कोई किताब डोनेट करता था, एक साधारण कॉरपोरेशन का स्कूल था उसमें पढ़ते थे। अब माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और तो उसका एक बड़ी मन में तकलीफ थी और सपने बहुत छोटे छोटे थे, इतने छोटे थे कि बस कहीं बैंक में नौकरी लग जाए, दोनों बैंक में ओवरटाइम मिलता था तो इतने कमा सके कि 2 वक्त खा सकते। अभी भी वो दिन याद आते हैं तो तकलीफ होती है। पर सर आपने एक मिसाल कायम की है कि दिल में अगर लगन हो, जज्बा हो तो कतरा कब समंदर बन जाता है ये पता भी नहीं चलता। एक बार जोरदार ताली बजा सर के लिए। आज आपने जो बातें शेयर की सर, मेरे ख्याल से बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे जो कई बार किस्मत को दोष देते कि हमारी किस्मत नहीं थी, तो बात वही है आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, आप खुद लिखते हैं अपने लिए। आपके दिल में जो भी है, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर सच्ची लगन से करें तो आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैं कभी बताना चाहता हूँ लोगों को कि सपने देखने चाहिए। हमने तो नहीं सपने देखे थे लेकिन जो हमारे बाबूजी थे वो सपना देखते थे। घर में टीवी नहीं था तो पड़ोस के घर में टीवी देखने जाते थे। उन दिनों क्या होता था, आधी फिल्म सैटरडे को दिखाते थे, आधी फिल्म संडे को दिखाते थे। तो एक दिन जब संडे को बाकी फिल्म देखने गए, शहीद फिल्म थी, तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं घर वापस आया तो आंख में आंसू थे, तो बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा हम फिल्म देखने गए थे, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, मैं आधी फिल्म देख नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। वाह, जिन्होंने उस समय कमरा बंद कर लिया होगा अपना वो बताते होंगे। अरे रजत जी इतनी आदत है।